remember when I was not doing anything. From that time I'm watching your video, and right now you are star. You are big star. Thanks. So a big round of applause for him. यार बिहार के लिए बजा दो एक बिहारी सौ पे बाड़ी और ये एक बिहारी 5 लाख प्लस पे बाड़ी है. When you see me, you better run. सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल. एंड अभी हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स आकर्ष बजाज. बजाज के शोरूम है वो, और वहाँ पे अभी होने वाली है F250 की लॉन्च इवेंट. तो वहाँ से मुझे इनविटेशन आया था, एंड जल्दी से पहुँचते वहाँ पे, देखते हैं क्या क्या होने वाला फंक्शन में अभी. एंड भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार इस बाइक का टेस्ट राइड भी अगर हो सके तो करूँगा अभी, एंड उसकी एक राइड रिव्यू भी बताऊँगा आप लोगों को. ऑल्दो आई नो दैट आई एम सो लेट फॉर दिस. बहुत लोगों ने ऑलरेडी रिव्यू एंड राइड करके उसकी वीडियोस डाल रखी है यूट्यूब पे, आप चेकआउट कर सकते हो. बट यहाँ पे थोड़ी लेट से लॉन्च हो रही है इसका, तो भाई अपन कुछ कर नहीं सकते. तो आज डे है 21 दिसंबर 2021 ओवियो. तो भाई अभी 3-4 दिन ही मैं मतलब पटना में रहने वाला हूँ, उसके बाद मे बी कहीं ना कहीं जाने का प्लान हो रहा है. बट देखते हैं, अभी तक एग्जैक्ट कन्फर्म नहीं हुआ कि एग्जैक्ट हम लोग कहाँ जाएंगे. एंड मेरा जो ट्रिप है वो बाइक पे शायद ना हो, क्योंकि भाई अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का. क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, मतलब ऐसे ऐसे लोग से ना थोड़ा बच के चलना पड़ता है. तो चलो अब सीधा हाईवे पे मिलता हूँ आप लोगों से. तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, एंड हाईवे पे आते ही भाई डॉमी अपनी उड़ने लगती है, रॉकेट बन जाती है बिल्कुल. तो बस बजाज का जो आउटलेट है वो बिल्कुल पास में मेरे घर से, लाइक 3-4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा, ज़्यादा नहीं. एंड डोमिनार है तो भाई 3-4 किलोमीटर्स के लिए तो भाई कुछ टाइम लगेगा नहीं, बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग. बस इस हाईवे पे भाई कहीं ना कहीं जाम वाम ना हो, क्योंकि भाई समटाइम्स यहाँ पे होता है क्या ना, इतना गंदा वाला ट्रैफिक जाम होता है यार कि भाई थोड़ा दूर जाने के लिए हमें काफ़ी घंटे लग जाते हैं. और ये देखो ये कितना ज़्यादा अनसेफ है, मतलब ओवरलोडेड करके ये लोग जा रहे हैं लेकर इसे. तो अभी जल्दी जल्दी पहुँचते हैं टू द आउटलेट. एंड टाइम तो था भाई 1 बजे का, बट आई एम लेट. चलो अब सीधा आप लोगों से आउटलेट पे पहुंच के मिलते हैं. ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, बस इस वाले जो फ्लाईओवर ब्रिज को क्रॉस करना है, मतलब हम लोग नीचे से जाएंगे क्योंकि वो सिंगल वे है, तो बस इसे क्रॉस करना और पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स द आउटलेट. तो सीधा वहीं पे चल के आप लोगों से मिलता हूँ. फाइनली पहुँच चुके हम लोग आकर्ष बजाज, और ये देखो यहाँ लगा हुआ एक बैनर फॉर द लॉन्च इवेंट ऑफ F250. तो पहले देखते हैं बाइक को किधर लगा दूँ भाई, इधर ही कहीं लगाना पड़ेगा. एंड आफ्टर दिस लॉन्च आई जस्ट वांट टू राइड दिस बाइक, एंड आई विल गिव अ ऑनेस्ट रिव्यू
और एक प्रॉपर वीडियो शूट करूंगा इसके ऊपर, तो एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा, क्योंकि राइड के पहले अभी गाड़ी के अच्छे एनी थिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा सबसे बेस्ट पार्ट मतलब बाइक और आपने इतनी बाइक चलाई है, ठीक है, जब दोनों बाइक आप देखते हो, ठीक है, तो आपको क्या फील आता है, मतलब क्या होगा अभी, क्योंकि आप राइड नहीं किए हो तब? इट्स लाइक जस्ट अ नेकेड बीच एंड 250 है तो भाई बोलना ही नहीं है, क्योंकि RS इज ऑलरेडी अ नेकेड, सॉरी इट्स अ फेयर बीच एंड NS इज लाइक हेल, रोड पे तबाही मचा देती है, तो अब ये दोनों भी रोड पे तबाही मचा देती है। इंडियन ब्रांड है और हम लोग कहीं भी इसकी सर्विस और हर जगह मतलब कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ये शॉर्ट आउट हो जाता है, और बहुत सारे ब्रांड्स है जिसमें प्रॉब्लम होता है जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट स्टिल इस बाइक में कोई मुझे इशू अभी तक नहीं आई है। मैंने ऑलमोस्ट लद्दाख भी मैंने अपने डोमिनार पे ही कवर किया है, और पटना से लगभग प्रॉपर राइड 6000 किलोमीटर्स का था इन 22 डेज, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑन बजनार डोमिनार। थैंक्स, थैंक यू सो मच। तो तालियां एक बार जोर से बजनी चाहिए इसके लिए। एग्जॉस्ट देख रहे हैं मेरी बात नहीं खंडर एग्जॉस्ट लुक्स बहुत प्रीमियम लुक्स दिखा रहा है, इसको दिखाई नहीं है, मोनोशॉक सस्पेंशन है जो एक कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, और इसकी बाइक लिए हुनर ना हो काम चलेगा, इसके साथ साथ इसमें एनालॉग मीटर है ताकि जब एक्सीलरेटर अगर जब झापे या मारे, ये वाइजर ऐसे डिजाइन किया गया है कि सामने वाली थ्रस्ट को जो हवा आ रही है ड्राफ्ट उसको काट के निकल जाए। अगर इसके एलॉयस को भी देखेंगे तो 5 जो एलॉयस लगाने वाले एलॉय के, ये भी एक एरोडायनामिक्स का फीचर्स है कि अगर साइड से भी ऐसी थ्रस्ट आ रहा है, हवा आ रहा है, तो भी उसमें इफेक्ट नहीं आएगा, बाइक स्मूथली रन करेगी। So finally, आपने अपने साथ करण सर एंड आई एम लकी टू हैव यू हियर, माय प्रिविलेज एज वेल, सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं बस एक सिंपल से क्वेश्चन है कि लाइक इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये बाइक ऑलरेडी 2 महीने पहले लॉन्च हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाले हैं लॉन्च हुए इसके, एंड बिहार में इतना लेट से ये क्यों आ गया? नहीं, एक्चुअली गाड़ी का लॉन्च हुआ था लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, ओके, एंड इट्स दिसंबर। सो वी हैव बीन लॉन्चिंग इन फेजेस। आपने, क्योंकि आप मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में बिलीव करते हैं और एसोसिएटेड, आपको पता होगा कि देर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ सेमी कंडक्टर चिप्स वगैरह, जो कार वगैरह सब में एक काफ़ी वेटिंग पीरियड रहा। मैंने सुना था कि तो, अभी कुछ ABS चिप्स का इशू आ रहा था जो अवेलेबल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लॉन्च सही से नहीं हो पा रहा। नहीं, तो उसका जो कंस्ट्रेंट है वो हर प्रोडक्ट्स में है, ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है वो इंडिया में नहीं बाहर से आता है, तो वो कंस्ट्रेंट एक है, तो कार इंडस्ट्री हो गया और टू व्हीलर इंडस्ट्री हो गया, जो भी यूज़ होता है 150 cc से ऊपर जहाँ पे ABS वगैरह लगता है वहाँ पे इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो इसके वजह से जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है, तो इट इज़ ए टेम्पररी थिंग, ऐसा कोई बहुत ये नहीं है कि थोड़ा लेट से आया है। हाँ, तो ये तो फेजेस में आजकल होते ही हैं, वन इज़ अवेलेबिलिटी, बीच में हमारे सामने ये दिवाली का टाइम भी था, तो लॉजिस्टिक सप्लाई वप्लाई के हिसाब से, तो वी जस्ट थॉट दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक इट अवेलेबल। तो एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा, लाइक इसको हमने रिप्लेस किया है पल्सर 220 से, तो आपको भी पता है पल्सर 220 का जो मतलब ये वर्ड जो है वो वर्ड नहीं है, इट्स अ मिरेकल, मतलब इस बजाज के सेगमेंट में पल्सर 220 अलग लेवल पे है, उसको हम लोग किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, सो इट्स बेटर देन दैट बाइक और उसके इक्विवेलेंट है। नहीं देखिए, हमारा जो हमेशा ही ये रहता है एक अपग्रेड होता है, आई नो आप कस्टमर्स को एक नया चीज़ नहीं देने से कस्टमर्स विल नेवर लव इट, तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोल रहा था, जब 180 cc बजाज ने लॉन्च किया था तब कोई मॉडल नहीं था उस समय, सब लोग 125 cc 100 cc 150 cc में खुश थे, तब 180 cc दिया, तो उसी तरह से 220 एक सीसी है, इट्स हैज बीन द फास्टेस्ट इंडियन का किताब है उनका, है ना, तो ठीक है, अभी 250 cc में अब क्या है, जैसे आई हैव इंटरेक्टेड विद क्वाइट अ फ्यू कस्टमर्स जिन्होंने ये 250 बुक किया है, तो मैंने उनको पूछा F250 आपने बुक किया आपको क्या लगा, क्या
तो उनका दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो दे आर एबल टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट्स एन अपग्रेड, इट्स अ डिफरेंट वर्जन ऑफ 220. इसमें दो चीज उनको बहुत ये लगा, वन इज द स्लीपर क्लच, उसमें नहीं था जो स्लीपर क्लच उसमें नहीं था. हाँ, सो दिस इज एन एडवांस्ड थिंग विच दे आर गिविंग टू गेट. अदर इज द डिजिटल एनालॉग डिस्प्ले. सो मेरे को इसका सबसे ज्यादा पसंद है ना, इसमें अब मैं दिखाता हूँ अभी ये वाला जो फीचर है, लाइक ये एनालॉग, मतलब ये जो प्रॉपर जब आरपीएम हम लोग पंच करते हैं, जब एक्सेलेरेटर को हिट करते हैं, तो वो जो फील देता है वो डिजिटल में फील नहीं है. जो एक जेन्युइन राइडर है, जो आप लोग जैसे बोला आपने कितना ट्रैवल करते हैं, तो एक थ्रिल होता है, उसका मजा कांटे में है. आप कोई भी रेसिंग वगैरह में भी देख लीजिए, यही दिखाते हैं. डिजिटल में क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटे से जगह पे दे सकते हैं कस्टमर को, जो कस्टमर को चाहिए वो. सो दिस से मिक्स हमने करके दिया है, आसान तो है, कोई भी एक दे दीजिए, बट वी ट्राई टू थिंक अबाउट द कस्टमर एंड मेक व्हाट इज इम्पोर्टेंट अवेलेबल. सो जो भी मतलब मेजर अपग्रेड्स होने थे लाइक फ्रॉम 220 टू दिस बाइक, वो सारे आपने इसमें किया ऑलमोस्ट. सो देखिए, यस, सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ लुक्स दैट वी आर गोइंग टू गेट. दिस इज द फेयर्ड वर्जन, एंड ऑफ कोर्स इट कम्स विद लॉट ऑफ दिस. जैसे मोनोशॉक था उसमें नहीं था, इसमें मोनोशॉक है ना. ये छोटे छोटे जो एस पर विथ टाइम जो जो चीजें चाहिए लोगों को, चार्जिंग पॉट, और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक दे दिया, इसका मतलब एक प्रॉपर वे में दिया गया है, लाइक कवर्ड है, क्वालिटी एंड ऑल दोस थिंग्स आर मेंटेन. एंड फिर लुक्स, जिस तरह से आज के डेट में एलईडी चाहिए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, कॉम्पैक्ट बाइक, लाइक नाउडेज सारे बाइक्स कॉम्पैक्ट होकर आ रहे हैं, थोड़े सा मतलब लुक जो स्लीक होता जा रहा है पहले के कंपैरिजन. लाइक 220 जब पहले थी तो बहुत ब्रॉड थी और बहुत बड़ी सी लगती थी, बट जब उसका अपग्रेड वेरियंट आया था तो उसमें भी वो थोड़ा स्लीक हुआ था, एंड इसमें और भी ज़्यादा स्लीक कर दिया गया है F250 को. सो दिस इज द थिंग आई लाइक द मोस्ट इन दिस बाइक, और बाकी तो फिर इसे जब राइड करूंगा तभी बता सकता हूँ. हाँ हाँ, तो आप जरूर राइड करिएगा. और ये मैं आपको अपने कस्टमर को इसके माध्यम से भी बोलना चाह रहा हूँ कि इसको राइड करने के बाद ही डिसाइड करें, है ना. सो ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेंट एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट जो फील आएगा मैं इसीलिए ना, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बट मैंने अभी डायरेक्टली एक ही लाइन बोला, जब मैं इसे राइड करूंगा तभी उसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता हूँ. उससे पहले ऑफ कोर्स वेरी कॉन्फिडेंट कि जब कस्टमर्स विल ड्राइव दिस व्हीकल, राइड दिस व्हीकल, दे विल यू नो रियली लव इट. थैंक यू सर. राइट, थैंक यू सो मच. बताना, आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर रिव्यूज. आई विल पुट द लिंक एंड आई विल जस्ट सेंड इट. ठीक, थैंक यू. तो गाइज, जैसा कि अभी आपने देखा, ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. मतलब मैं थोड़ा लेट हो गया था, एंड ऑलमोस्ट सारे कुछ मैंने कवर कर लिए, जो भी मेन पार्ट था, लाइक जब बाइक अनवील हो रहा था, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया. सो अभी जा रहे हैं वापस घर की तरफ, एंड टेस्ट राइड का जो प्लान है वो किसी और दिन करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, एंड बाइक अभी डिस्प्ले में लगी हुई थी, तो इस वजह से अभी टेस्ट राइड नहीं हो पाया. टेस्ट राइड हम लोग कर लेंगे जल्दी, आजकल में कभी भी. तो जल्दी से चलते हैं यहाँ से वापस घर की तरफ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गाइस, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे, एंड मिलते हैं गाइस फिर अगली व्लॉग में. एंड देन बाय बाय गाइस, एंड राइड सेफ़.